जनपद श्रावस्ती में जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने परिषदीय विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा और मिड डे मील की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। विद्यालयों में मिली खामियों पर कड़ी फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने जिले के विकास खंड हरिहर पुरानी के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बगुरैया गलकटवा सहित कई विद्यालयों का दौरा कर जायजा लिया और निरीक्षण कर बच्चों को दी जा रही शिक्षा का आंकलन किया। प्राथमिक विद्यालय बगुरैया गलकटवा के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति और नामांकित बच्चों की उपस्थिति जांची। वहीं बच्चों की उपस्थिति कम मिलने पर प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि पंजीकृत बच्चों की उपस्थिति पूरी होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी ने ब्लैक बोर्ड पर बच्चों से पहाड़ा और गणित के सवाल पूछे। बच्चों द्वारा सही उत्तर न दिए जाने पर उपस्थित शिक्षकों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारना गुरु का दायित्व है। बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पीड़िता ने पहले दुष्कर्म, फिर वीडियो बनाकर पैसे की डिमांड की गई और जब पैसे नहीं मिले तो वीडियो वायरल कर देने का आरोप लगाया गया। पीड़िता पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट काट कर जब थक गई तो उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय द्वारा पीड़िता की फरियाद पर लालगंज थाने पर मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई का आदेश दिया गया। न्यायालय के आदेश दिनांक 21 मार्च 2024 के क्रम में थाना लालगंज जनपद बस्ती पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें घटना ये 12 नवंबर 2023 की दिखाई गई है। थाना क्षेत्र लालगंज के ग्राम फकवा की पीड़िता द्वारा गाँव के शहरी को फिर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका वीडियो बनाया, उसके साथ पैसे मांगे और गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। 12 नवंबर का है 2023 का, 3-4 महीने बीत गया, हमें पता नहीं लगा। जिस दिन हमें 4 मार्च को हमें उन्होंने वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाकर पैसा मांगा, पैसा मैंने ना देने इनकार किया तो मुझे जान से मारने की धमकी भी देने लगे और फिर उन्होंने कहा कि वीडियो वायरल कर दे रहा हूँ। कैसे, क्या घटना हुआ था? मैं खेत में गई थी दिन के 2 बजे, मैं आ रही थी उधर से और लोग मुझे अकेला देख के मेरे साथ जबरदस्ती कैसे हरकत करने लगी, चमान छोड़ के गाली देते हुए मेरे साथ कई बार उन लोगों ने बलात्कार किया, फिर वीडियो भी बनाए। लास्ट बार क्या आपके साथ रेप किया इन लोगों ने? लास्ट बार जब उन्होंने बुलाया तो मैं गई नहीं, तो इसलिए ये वीडियो मेरे पापा को दिखा दी, 20,000 रुपये की डिमांड की थी। अच्छा, वीडियो वायरल भी कर दी? हाँ, गाँव के बहुत सारे लोग देखे थे। पुलिस के पास कब गई आप? 4 तारीख को गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं वहाँ से लोगों को बुला।